इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं लेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और लेंस की कुछ टर्मिनोलॉजी कि लेंस, जब हम लेंस में प्रतिबिंब पढ़ते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वहां पर किन किन शब्दों का हम नियमावली, क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी पर मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले वाला, तो आप लोगों ने वो देख लिया होगा। आज हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं और दर्पण कैसे बनाते हैं, दर्पण प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन लेंस क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है भाई, एमसीक्यू एक नंबर में पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए किरण आरेख सब हम बताएंगे। अच्छा कुछ एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी हम किरण आरेखों का उपयोग द्वारा लेंसों के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे उत्तल लेंस। आज हम उत्तल लेंस के कुछ नियम पढ़ेंगे और कल उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो बताऊंगा। आज सिर्फ हम नियम पर चर्चा करेंगे। तो उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम क्या है, सबसे पहला नियम देखो, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर फोकस से गुजरेगी। यानी कि ये कह रहा है कि बिंब, यानी कि यहां पर माना कि कोई बिंब है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इससे आने वाली कोई प्रकाश किरण जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेगी। देखो फोकस हमेशा क्या होता है, वक्र त्रिज्या का आधा होता है, और यहां पर जो दूरी न, दूरी दूरी मेजर करेंगे, हम दूरी मापेंगे वो यहां से नहीं, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे भाई, यहां से दूरी को मापा जाता है, प्रकाशिक केंद्र से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई प्रकाश किरण ऑब्जेक्ट से आ रही है और अपवर्तित हो गए होकर के, अगर वो हमेशा अगर वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो क्या होगी, फोकस से होकर के गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेगी, चाहे यहां पर मैं कोई दूसरी प्रकाशिक किरण ले लो इस तरह से, ठीक है, ये, और यहां से ये अपवर्तित हो जाएगी और ये इस तरह से आप ये आप उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आप जब लेंस भी बनाओगे तो इसको प्रकार से बनाओगे भाई, प्रकार, और ये पेंसिल से बिल्कुल समांतर खींचोगे अपनी बुक में लाइन, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से समांतर होगी तो ये अपवर्तित होगी, तो इस बिंदु से होकर के गुजरेगी। दूसरा नियम देखिए इसका, दूसरा नियम है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से, ये उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसी तिरछी गमन कर रही है और यहां से फोकस से होकर के गुजर रही है, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं भाई फोकस क्या होगा, इस वाले पृष्ठ के लिए यहां फोकस होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या का आधा, अगर इस जिस जिसने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसकी समझ में आ रहा होगा, और इस वाले पृष्ठ के लिए फोकस बिंदु ये होगा क्योंकि ये इस गोले का हिस्सा है। चलो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो ये तिरछी जा रही है और फोकस से होकर के गुजर रही है और लेंस पर आपतित हो रही है, तो ये क्या होगी, अपवर्तित होगी और सीधे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इसी का लगभग उल्टा है ये, ठीक है, अगर ये सीधी फोकस बिंदु से होकर के जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगला नियम देखिए इसका, ठीक है, अगला नियम है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी। यानी कि अगर लेंस का जो ये प्रकाशिक केंद्र है वो, ठीक है, अगर इस प्रकाशिक केंद्र से सीधे ऐसे गुजर रही है कोई प्रकाश किरण तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं आएगा, ये सीधी निकल जाएगी। अभी तक क्या हो रहा था, जब समांतर जा रही थी तो इस तरह से अपवर्तित हो रही थी, जब फोकस से जा रही थी तो इस तरह से समांतर हो रही थी, लेकिन अगर सीधे अगर कोई प्रकाश किरण तिरछी आती है इस तरह से सीधे और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा बल्कि वो सीधे निकल जाएगी,
ठीक है। तो ये तीन नियम थे उत्तल लेंस पर किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाने के। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रतिबिंब कैसे बनेगा हम इस पर चर्चा करेंगे, और इन्हीं तीनों नियम का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे भाई। इसलिए इन तीनों नियम को अच्छे से समझ लीजिए।